प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति शास्त्र के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय जो कि नवीन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसको मैं भिन्न भिन्न शीर्षकों में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस विषय के इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि कब से प्रारंभ हुआ, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है और सामान्य रूप में इसका राजनीति शास्त्र में स्थान प्राप्त होने में कितना समय लगा है। राजनीति शास्त्र में भिन्न भिन्न विद्वानों ने व्यवहारवाद को भिन्न भिन्न रूपों से परिभाषित किया है। उसमें प्रमुख रॉबर्ट डहल, ट्रूमैन, डेविड ईस्टन इत्यादि है। इसके अलावा राजनीति शास्त्र के समर्थक विद्वान है, समर्थक विद्वानों में प्रमुख नाम है, उनके पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और व्यवहारवाद और परंपरावाद में एक लंबा डिबेट, एक वाद विवाद छिड़ा था। तो हम व्यवहारवाद और जो परंपरावाद है उसके बीच में जो चर्चा हुई, जो डिबेट हुई, उस पर भी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा। व्यवहारवाद की सामान्य विशेषताएं कई विद्वानों ने दी है, मुख्यतः उनमें किर्कपैट्रिक, डेविड ईस्टन इत्यादि विद्वान है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस प्रकार की है, क्या क्या बातें व्यवहारवाद के बारे में उन्होंने बताई है, इस पर भी विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विशेषताओं के अलावा राजनीति शास्त्र में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या प्रभाव रहा है, इसका क्या उपयोगिता है इस व्यवहारवाद की राजनीति शास्त्र में, उन सब पर अच्छा चर्चा करेंगे। उपयोगिता और व्यवहारवाद करने के बाद इसके कई विद्वान इसकी आलोचना करते हैं, इसमें वीकनेसेस बताते हैं, दुर्बलताएं बताते हैं, ये अन्यथा व्यर्थ आंदोलन है राजनीति शास्त्र में, इसकी कोई भी राजनीति शास्त्र को देन नहीं रही है। तो जो उसके आलोचक है वो क्या क्या तर्क आर्गुमेंट्स प्रस्तुत करते हैं और इसमें क्या क्या वीकनेसेज है, दुर्बलताएँ हैं, उन सब पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसको हम व्यवहारवाद पर सीमाएं, अध्ययन का दायरा कितना है, क्या क्या सीमाएं इस पर है, अध्ययन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्यवहारवादी अध्ययन में, इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। अंत में हम कंक्लूड करेंगे कि व्यवहारवाद और परंपरावाद की डिबेट में क्या कोई नई विचारधारा उभर करके सामने आई है या इसकी प्रासंगिकता आज भी है। तो इन शीर्षकों में अध्ययन करने के साथ साथ हम सबसे पहले विस्तृत चर्चा करेंगे व्यवहारवाद के इतिहास पर। व्यवहारवाद के इतिहास को यदि हम देखें तो हम पीछे चले जाएंगे 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में, जिसमें दो महान विचारक हुए हैं, एक तो मैकियावेली और एक हॉब्स। इन्होंने थोड़ा बहुत मानव व्यवहार पर चर्चा की है अपनी पुस्तकों में, लेकिन आधुनिक जो व्यवहारवाद जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं ये करीब करीब 1908 में प्रारंभ मान सकते हैं हम। तो आज इतिहास की चर्चा हम करेंगे 1908 से लगा करके 1950 तक, जो कि अपनी प्रकाशता पर पहुंचा है ये डेविड ईस्टन की रचनाओं के माध्यम से और भिन्न भिन्न अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों के विचारों के माध्यम से। जहाँ तक हम मैकियावेली या हॉब्स की बात करें, वो एक पूरी डिटेल रूप में व्यवहारवाद की चर्चा नहीं करते, वो केवल मानव व्यवहार की चर्चा करते हैं और राजनीतिक प्राणी के रूप में मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है, उन्होंने बड़ा मानव व्यवहार का विकृत खाका खींचा है। वो कहता है मनुष्य या मानव स्वभाव कभी भी परोपकारी नहीं होता, कभी भी शांति प्रिय नहीं होता, वो बड़ा विकृत होता है और वो अपने स्वार्थ के लिए सभी तरह के काम करता है। लेकिन यदि वर्तमान व्यवहारवाद से मैकियावेली या हॉब्स के विचारों को लें तो इसकी कोई भी रेलेवेंस, प्रासंगिकता, अर्थ वर्तमान व्यवहारवाद में नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसका इतिहास, वर्तमान इतिहास हम 1908 से प्रारंभ कर सकते हैं जब एक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्री हुए हैं जिनका नाम था ग्राम वालस। उन्होंने एक किताब लिखी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स।
तो उसका टाइटल ही इस प्रकार का था, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जिससे ऐसा लगा कि इस किताब के माध्यम से व्यवहारवाद के बीज बो दिए गए, फाउंडेशन दे दी गई। हालांकि व्यवहारवाद की विस्तृत व्याख्या ग्राम वालस ने अपनी किताब में नहीं की है, लेकिन उसके बाद जो जो समय बीतता गया, एक दो किताबें और आई 1925 के आसपास, वो एफ बेंटले की किताब है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, या उसके बाद कई महत्वपूर्ण विद्वानों ने चार्ल्स मरिय की किताब मरियम की न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इनमें व्यवहारवाद की विस्तृत चर्चा की गई है। तो ये प्रारंभिक व्यवहारवाद का इतिहास हम कह सकते हैं, जो 1906 से प्रारंभ होकर के 1925-30 के आसपास समाप्त होता है। लेकिन वास्तविक व्यवहारवाद जो विकसित हुआ है वो ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद। विशेषकर इसके बहुत अधिक समर्थक विद्वान थे, वो अमेरिकन थे। अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों ने एक तरह से आंदोलन की तरह इस व्यवहारवाद को प्रारंभ कर दिया। डेविड ईस्टन करके विद्वान रहे हैं, जो व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से माने जाते हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी पॉलिटिकल सिस्टम, जिन्होंने एक ऐसे लेख लिखा करंट मीनिंग्स ऑफ बिहेवियरिज्म, इसमें उन्होंने विस्तृत व्याख्या व्यवहारवाद की है। डेविड ईस्टन के अतिरिक्त कई प्रकार की फाउंडेशंस अमेरिकन्स जो कि डोनेशंस देते, ग्रांट देते हैं, और उन्होंने ये सिद्धांत बना दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में जो व्यवहारवादी अध्ययन करेगा उनको हम भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रांट्स दे देंगे। तो अन्य विश्व में अमेरिका के अलावा व्यवहारवादी अध्ययन होने लगे, और पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशंस, डेल और कार्नेगी, ये बहुत बड़े डोनर हैं अमेरिका के, इनकी फेलोशिप के माध्यम से दुनिया भर में है वो व्यवहारवादी अध्ययनों की एक प्रकार से बाढ़ आ गई, और व्यवहारवाद अपनी प्राकाष्ठा पर, क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। तो हम कह सकते हैं कि 1950 से लगा करके 1970 तक के दो दशक है जो कि व्यवहारवाद की प्राकाष्ठा, क्लाइमेक्स, हाइट के काल है। उसके बाद धीरे धीरे किन्हीं कारणों से व्यवहारवाद का पतन होने लगा, और जिसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। ये संक्षिप्त व्यवहारवाद का इतिहास, जो 1906 से प्रारंभ होकर के 1970 में आते आते ढलाव की ओर पहुंच जाता है। इसका दूसरा मीनिंग देखने की कोशिश करें तो इसकी एक प्रिसाइज साइंटिफिक, मतलब बिल्कुल वैज्ञानिक परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। सबसे पहले एक डेविड ईस्टन थे, उन्होंने व्यवहारवाद की विस्तृत व्याख्या की। उनसे पहले अमेरिकन विद्वान है पुनः रॉबर्ट डहल करके हुए हैं, वो व्यवहारवादी विचारक माने जाते हैं प्रमुख। उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक शास्त्र में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है, विद्रोह आंदोलन है, और प्रोटेस्ट किसके प्रति? ये राजनीतिक शास्त्र में प्रचलित जो पद्धतियाँ थी, और वो प्रचलित पद्धतियाँ ट्रेडिशनलिस्ट थी, परंपरावादी थी। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र की परंपरागत पद्धतियाँ और तरीकों के प्रति एक प्रकार का प्रोटेस्ट मूवमेंट था, जो कि अमेरिकन राजनीतिक शास्त्रियों के दिमाग में आया, और उसका कारण प्रमुख ये था। क्यों ये प्रोटेस्ट मूवमेंट आया, आंदोलन आया विपरीत? इसका कारण था ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष था राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों में। किस पर? जो परंपरागत मेथड्स और पद्धतियां राजनीतिक शास्त्र में जो प्रचलित रही है, जो हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल, ऐतिहासिक पद्धतियां, दार्शनिक पद्धतियां और संस्थानात्मक प्रवृत्तियां जो राजनीतिक शास्त्र में विद्यमान रही है, उनके प्रति असंतोष का परिणाम को क्या कहा जाता है? व्यवहारवादी आंदोलन कहा जाता है। और उनका ये मानना था कि राजनीतिक शास्त्र में अन्य मीन्स हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल मेथड्स है, कन्वेंशनल मेथड्स है, या इंस्टीट्यूशनल मेथड है, इसके अलावा भी कई पद्धतियां हैं वो पाई जाती है, और राजनीति शास्त्र में भी एम्पिरिकल, बिहेवियरल, साइंटिफिक, अनुभवात्मक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक अध्ययन है वो संभव है, और इसको
राजनीति शास्त्र को अन्य विषयों की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनमें भी उनकी पद्धतियों को अपनाया जा सकता है। मतलब अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र में पाया जा सकता है और इस नवीन आंदोलन का नाम उन्होंने व्यवहारवाद के रूप में दिया है। तो ये परिभाषा इसकी रॉबर्ट डहल कहते हैं, जो इसे एक प्रोटेस्ट मूवमेंट की संज्ञा देते हैं और वो कहते हैं कि एम्पिरिकल साइंटिफिक ये सब तरीके हैं वो राजनीति शास्त्र में होने चाहिए, जो कि समाजशास्त्र मनोविज्ञान में पर्यवेक्षण इंटरव्यूज अनुसूचियाँ शेड्यूल डेटा कलेक्शन आंकड़ों का संग्रहण आंकड़ों का फील्ड स्टडी सर्वे इनके आधार पर पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करके यदि फाइंडिंग्स किए जाए तो राजनीति शास्त्र का सही अध्ययन है हो सकता है। मीन्स उनके डेविड इसके अनुसार रॉबर्ट डहल के अनुसार सिस्टेमेटिक अध्ययन होना चाहिए। इसके बाद डेविड ट्रूमैन ने भी इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में सिस्टेमेटिक और एम्पिरिकल रिसर्च होनी चाहिए और प्राइमरी एम्फेसिस मौलिक इस पर बल दिया जाना चाहिए अनुभवात्मक अध्ययन पर एम्पिरिकल स्टडी पर इतिहास पर या परंपराओं पर अध्ययन न दे करके अनुभवात्मक अध्ययन पर है वो दिया जाना चाहिए। तो ये ट्रूमैन और रॉबर्ट डहल के अर्थ है, लेकिन हम सामान्य अर्थ इसका ढूंढने का प्रयास करें तो पुनः मैं ये कहूँगा प्रिय विद्यार्थियों कि इसका कोई एक लाइन में निश्चित परिभाषा जो हम राज्य की करते हैं या सरकार की करते हैं या संघात्मक शासन की करते हैं या एकात्मक शासन की करते हैं इस प्रकार की प्रिसाइज निश्चित परिभाषा संभव नहीं है। जो सामान्य अर्थ उभर करके सामने आ रहा है व्यवहारवाद का वो ये है कि ये एक प्रकार का प्रोटेस्ट मूवमेंट है जो कि राजनीति शास्त्रियों के मूड उनकी मनोवृत्ति मूड बदलता रहता है मनोवृत्ति बदलती रहती है तो इस प्रकार ये अर्थ भी बदलता रहता है तो उनकी मनोदशा और मनोवृत्ति का परिणाम है। इसकी कोई निश्चित परिभाषा हम नहीं दे सकते, जबकि कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि ये मनोवृत्ति या एक मूड है ये सही नहीं है, इसके अपने निश्चित सिद्धांत है, इसकी अपनी प्रिसाइज परिभाषा है। कई विचारक इसको एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र में स्वीकार करते हैं। तो अर्थ के बारे में हम भिन्न 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 विद्वानों के अर्थ देने के साथ साथ उनको अर्थ को कंक्लूड करना है कि इसका सार क्या है, और सार विशेष रूप में ये है कि कोई इसको मनोदिशा मनोवृत्ति मानता है और कोई ये कहता है कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स है इसके बेसिक एजम्पशन है बेसिक सिद्धांत है और राजनीति शास्त्र में ये एक महत्वपूर्ण योगदान है नया। इसके बाद यदि हम सपोर्ट्स देखें एक लंबी सूची है इसके समर्थकों की, और एक बार पूरी दुनिया में जैसे एक ट्रेन चलती है एक धारा चलती है ऐसी धारा पूरी व्यवहारवाद की धारा चल पड़ी थी। इवन भारत में भी यहाँ तक कि अपने देश में भी कई प्रकार के व्यवहारवादी अध्ययन होने लगे थे यदि 1952 55 58 में देखें, और मैं जहाँ तक समझता हूँ उसका मुख्य कारण है आप कोई प्रोजेक्ट बना के भेजते हो व्यवहारवादी प्रोजेक्ट है ये फंडिंग बहुत अधिक मैंने नाम दिए थे पहले आपको कार्नेगी फाउंडेशन से फोर्ड फाउंडेशन से अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन से ये फंडिंग बहुत आसानी से होती थी क्योंकि आप व्यवहारवादी अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके कारण समर्थकों की बाढ़ आ गई थी। अधिकांश समर्थक जो है व्यवहारवाद के जिन्होंने प्रारंभ भी किया समर्थक भी रहे वो अमेरिकन हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मैं जो विद्यार्थियों के दिमाग में जब फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू करता है तब से ही वो नाम कूट कूट करके भर जाता है और अंतिम तक रहता है वो डेविड ईस्टन, जो अभी भी बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं हुए उनको 20 वर्ष हुए होंगे उनकी डेथ हुई बिल्कुल लेटेस्ट है उनको बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है। उनके अतिरिक्त हैरोल्ड लासवेल है आमंड और कॉलमैन है हेंज एलव है कार्ल डाइस है एडवर्ड सील्स है पोवेल है बहुत सारे विद्वान है इससे संबंधित है कुछ भारतीय भी है पर वो इतने प्रमुख नहीं हो पाए जितने कि प्रमुख ये अमेरिकन विद्वान अधिकांश अमेरिकन मैंने आपको जैसे बताया कि इसके समर्थक विद्वान है।
व्यवहारवाद की विशेषताओं की अब हम चर्चा करेंगे, और विशेषताओं का वर्णन दो विद्वानों ने किया है। सबसे पहले जो इसकी प्रिसाइज विशेषताएं बताते हैं वो है क्रिक पैट्रिक, और दूसरी विशेषताएं बताने वाले हैं डेविड ईस्टन। क्रिक पैट्रिक इसकी प्रमुख विशेषताएं बताते हैं कि अध्ययन की मौलिक इकाई संस्थाएं नहीं व्यक्ति होना चाहिए। इसको लिए एलाबोरेट करें हम इस बिंदु को, तो सामान्यतः परंपरागत राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी संस्थागत अध्ययन करते, जैसे राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन, ये सब संस्थाएं हैं। व्यवहारवाद कहता है कि संस्थाओं का अध्ययन पर्याप्त नहीं है राजनीति शास्त्र। संस्थाओं को चलाने के पीछे मूल शक्ति कौन है? मूल शक्ति व्यक्ति होते हैं, इसलिए इन संस्थाओं को चलाने में व्यक्तियों का व्यवहार किस प्रकार का है वो अध्ययन की इकाई होनी चाहिए। संस्थाएं अध्ययन की इकाई न होकर के संस्थाओं को चलाने के पीछे शक्ति, जो ह्यूमन बीइंग व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन राजनीति शास्त्र में होना चाहिए। पहली विशेषता बताते हैं वो। दूसरी विशेषता वो बताते हैं कि राजनीति शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता होनी चाहिए। एकता होने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र में जो नवीन पद्धतियों से अध्ययन होते हैं, जो डेटाज इंटरव्यूज कलेक्ट करने के बाद वहाँ फॉर्मूले लगा करके, सूत्र लगा करके उनका विश्लेषण करते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए अन्य विषयों की अध्ययन पद्धतियों को राजनीति शास्त्र में अपनाया जाना चाहिए। तीसरा विशेषता जो बताता है, जिसको थोड़ा सा स्पर्श मैंने दूसरे पॉइंट की व्याख्या करते हुए बताया था, सांख्यिकी वो सूत्रों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में फॉर्मूलेज होते हैं, मानव व्यवहार के भी इसी प्रकार के सूत्र या फॉर्मूले होने चाहिए। डेटा आंकड़े कलेक्ट करें, ग्राफिक प्रेजेंटेशन दें उनका, फिर उनका एनालिसिस करके तथ्यों के आधार पर किसी भी बात को पुष्ट करें, तो वो ज़्यादा यथार्थ होती है, ज़्यादा वैज्ञानिक होती है। इसलिए वो सांख्यिकी वो सूत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं, और विशेष रूप में ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में अनुभविक अध्ययन होने चाहिए। एम्पिरिकल अप्रोच की बात करता है, परंपरागत अध्ययन या इतिहास का अध्ययन नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित अध्ययन होने चाहिए। तो ये पहली विशेषताएं बताई गई है। और दूसरे विचारक, मैंने प्रारंभ में इंडिकेट किया था, इसके सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है 1953 के करीब, जो जिसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अलावा उन्होंने एक लेख लिखा है महत्वपूर्ण अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। उसमें उन्होंने व्यवहारवाद की विस्तृत व्याख्या की है, और उनको हम 8 सूत्रों में 8 पॉइंट में विभाजित करते हैं। वो व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन के 8 सूत्र कहलाते हैं। सबसे प्रमुख इसमें है नियमन, रेगुलराइजेशन, मीन्स राजनीति शास्त्र में भी कुछ सर्टेन नियम होते हैं, जैसे न्यूटन के नियम है, या न्यूटन के गति के नियम है, या गुरुत्वाकर्षण के नियम है, इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में नियमन हो जाना चाहिए। इसके अलावा सत्यापन, साइंस में विज्ञान में हर चीज़ टेस्ट की जाती है लेबोरेटरी, कोई फैक्ट आप कहते हो फैक्ट सही है या नहीं, वो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाना चाहिए। तो राजनीति शास्त्र में भी जो बात की जाती है उसको सत्यापित करने का तरीका होना चाहिए, उसको सत्यापित की जाने का सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, टेक्नोलॉजी से राजनीति शास्त्र को दूर नहीं रहना चाहिए, मीन्स राजनीति शास्त्र में तकनीकी प्रयोग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से बहुत दूर, किताबी ज्ञान केवल। इसके अलावा जो विज्ञान में या अन्य नेचुरल साइंसेज में टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, इसी प्रकार की तकनीकी के लिए कई एपरेटस, कई साधन इत्यादि का प्रयोग भी राजनीति शास्त्र में किया जाना चाहिए। ये सब इन तरीकों से अध्ययन करने के बाद इसका क्वांटिफिकेशन किया जाना, थोड़ा अजीब लगता है कि राजनीति शास्त्र का प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए,
क्वांटिफिकेशन कहते हैं, आपकी हाइट कितनी है कि 5 फुट 7 इंच, क्वांटिफिकेशन है। अब राजनीति शास्त्र में क्वांटिफिकेशन क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने डिग्री का पड़ेगा, विचलन कितना होगा, इन सब बातों का प्रमाणीकरण है। क्वांटिफिकेशन मेजरमेंट राजनीति शास्त्र में एक भी एक प्रकार का होना चाहिए। और ये सब तरीके अपनाने के बाद थ्योरी बिल्डिंग, एक आदर्श निर्माण और मूल्य निर्धारण कि इससे क्या वैल्यू डिटरमाइन हुई है, क्या आइडियल्स निर्मित होते हैं, वो करने के बाद वो सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित रूप से उनका सिस्टमेटाइजेशन किया जाना चाहिए। क्रॉनिकल ऑर्डर में करो आप या अन्य तरीके से करो, पर एक सिस्टमिक होना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने विशेषता बताई है, सूत्र बताया है, प्योर साइंस की बात करता है, विशुद्ध ज्ञान की बात करता है। और इस समय ये कहता है क्यों न राजनीति शास्त्र भी भौतिक शास्त्र या रासायनिक शास्त्र तरह का एक प्योर साइंस या शुद्ध विज्ञान है। तो विज्ञान के तरीकों को राजनीति शास्त्र में लाया जाना चाहिए। और इस सब के बाद वो कहता है ये एक इंटीग्रेटेड नॉलेज है जिसको टुकड़ों में अध्ययन नहीं होना चाहिए, एक एज ए होल कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी के साथ साथ जो भी आप अध्ययन करते हो वो एक निश्चित सिद्धांत के साथ समग्रता के रूप में है, वो अध्ययन होना चाहिए। तो ये डेविड ईस्टन ने महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रतिपादित की। और मैं समझता हूँ सबसे प्रामाणिक विशेषताएं जो 8 सूत्र डेविड ईस्टन ने बताए हैं, और अक्सर विद्यार्थियों को डेविड ईस्टन के इन 8 सूत्रों की व्याख्या प्रश्नों में भी पूछी जाती है, उनकी किताब का नाम भी पूछा जाता है, उनका जो ऐसे हैं उसको भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषताएं उसका अर्थ को अध्ययन करने के बाद जब नया एक प्रकार का दृष्टिकोण, नई अध्ययन पद्धति राजनीति शास्त्र में आई है, तो इसके अध्ययन की उपयोगिता क्या है और राजनीति शास्त्र में इसने कितना इम्पैक्ट या प्रभाव डाला है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता इस बात में है, या इसने राजनीति शास्त्र में प्रभाव डाला है कि राजनीति शास्त्र के, राजनीति विज्ञान की पूरी विषय वस्तु को एक नवीन रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश है व्यवहारवाद। पहले हम इतिहास, सरकार, राज्य, इन सब की बात, नागरिक, नागरिकों के अधिकार, शक्तियाँ के बारे में बात करते थे, उसकी जगह वो मानव व्यवहार के अध्ययन की बात करता है। नवीन दृष्टिकोण, नवीन स्वरूप, नवीन विषय वस्तु प्रस्तुत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, ये व्यवहारवाद है, इसकी उपयोगिता है। दूसरी बात और दूसरी उपयोगिता इसकी महत्वपूर्ण ये है कि मानव जब अपने व्यक्तित्व की बात करते हैं तो वो आर्थिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, सांस्कृतिक प्राणी है, क्या क्या नहीं है। तो मनुष्य का अन्य राजनीति शास्त्र में भी, अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में राजनीति शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। मतलब समाजशास्त्र को भी ध्यान में रखें, अर्थशास्त्र को भी ध्यान में रखें, इन सब को ध्यान में रखकर राजनीति शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। केवल एकागी जो हम चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलें, ये उचित नहीं है, इसकी उपयोगिता इस बात में है। व्यवहारवाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो काल्पनिक नहीं है, वो यथार्थ के धरातल पर खड़ा है। क्या होना चाहिए नहीं, है क्या, क्या था नहीं, क्या होना चाहिए नहीं, क्या है, यथार्थ क्या बात है, उस बात की आप अध्ययन करें, वो ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा यूजफुल है। इसके अलावा इसने राजनीति विज्ञान में कई प्रकार की नवीन पद्धतियाँ, नए मापन, नए सूत्र, इन सब को अपनाने की कोशिश की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद की बहुत सारी उपयोगिता है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है। ये बात कहें तो एक पक्षीय बात होगी, अच्छाइयों के साथ साथ इसमें कुछ कमजोरियाँ भी है, तो इनकी दुर्बलताओं की चर्चा करना भी बहुत ही व्यवहारिक या उपयोगी होगी यहाँ पर, आपके लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी। तो इसकी क्रिटिसिज्म जब करते हैं हम, वीकनेसेस बताते हैं, दुर्बलताएं बताते हैं, सबसे बड़ी दुर्बलता जो मैं समझता हूँ, जो आपकी किताबों में भी लिखी होगी, मूल्य निरपेक्षता। अक्सर हम मूल्य को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं करें, यहाँ है वैल्यू फ्री, अध्ययन होना चाहिए वैल्यू लेडन, मूल्य सापेक्ष होना चाहिए। व्यवहारवाद क्या कहता है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए,
मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य आपके आचार विचार सोच, आपकी परंपराएं, आपका इतिहास, वो सब संस्कृति, ये सब बना करके मूल्य बनते हैं। तो व्यवहारवादी कहते हैं कि जब आप अध्ययन प्रारंभ करो, मूल्यों को हटा दो और यथार्थ अध्ययन करो, ये संभव नहीं है। तो मूल्य निरपेक्षता की जो बात करते हैं वो उचित नहीं है व्यवहारवादी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मानव व्यवहार का कोई भी विज्ञान प्रस्तुत करने में कठिन है। कारण, मनुष्य कब क्या करेगा, क्या उसकी सोच रोगी, इसका हम कह नहीं, समान परिस्थितियां दे दी जाए दो मनुष्यों को, एक कुछ और व्यवहार करेगा, दूसरा कुछ और व्यवहार करेगा, इसलिए मानव व्यवहार का कोई विज्ञान प्रस्तुत नहीं कर सकते। फिर प्राकृतिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान को समाहित करने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों में मौलिक अंतर है। प्राकृतिक ज्ञान के अक्सर विषय निर्जीव है, राजनीति शास्त्र के विषय सजीव है, मनुष्य, और मनुष्य स्थिर नहीं है, कब क्या बात कहता है, कब परिवर्तित हो जाएगा, कब उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कह सकते। इसलिए यदि हम देखें तो मैंने कई व्यवहारवादियों के नाम बताए, कोई भी व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष नहीं है। तो इस पर कई प्रकार की सीमाएं हैं, सीमाएं इस बात में कि ये मूल्य निरपेक्ष कहना केवल कहने तक सीमित है। कोई भी व्यवहारवादी अध्ययन ले लें, हम भले डेविड ईस्टन को ले लें, क्रिक पैट्रिक को ले लें, या भारतीय विद्वानों को ले लें, जो ही वो अध्ययन प्रारंभ करेगा, मूल्य की छाप तो उस पर रहेगी ही रहेगी, मूल्यों से वो अपने आप को पृथक कर ही नहीं सकता। तो मूल्यों और विचारधाराओं का उस पर प्रभाव अनिवार्य रूप से होता है। मानव व्यवहार की व्याख्या नियंत्रित परिस्थितियों में की जा सकती है। जो एक भारतीय मनुष्य का व्यवहार है, उसके हम इक्वेट अमेरिकन मनुष्य के व्यवहार से कैसे कर सकते हैं? उसकी अलग प्रथाएं हैं, अलग परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां अलग है, काल अलग है, उसका इतिहास अलग है, उसके दृष्टिकोण अलग है, तो इसको हम समाहित नहीं कर सकते। नीति निर्माण में भी व्यवहारवाद का कोई विशेष योगदान नहीं है। उनके जो रिजल्ट्स आए हैं व्यवहारवादी अध्ययनों के, उन्होंने कोई समाज को या नीति निर्माताओं को कोई विशेष योगदान दिया है, इस प्रकार की बात कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा मानव की सफलता असफलता, इनके बारे में पूर्व कथन संभव नहीं है। एक ही क्रिया करो, एक व्यक्ति के ऊपर असर अलग होगा, उसी क्रिया का दूसरे व्यक्ति पर असर होगा। इसलिए व्यवहारवादी यथार्थ की बात न करके इंद्रपुरी के निवासी बन गए, मतलब हवा में बात करते हैं, यथार्थ की बात है वो नहीं करते हैं। तो ये इस पर कुछ कई प्रकार की सीमाएं हैं, और व्यवहारवाद के आलोचक इनकी विस्तृत व्याख्या भी करते हैं। आज हमने व्यवहारवाद की मुख्य बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसमें इसके इतिहास, इसका अर्थ, डेविड ईस्टन, क्रिक पैट्रिक, इनका योगदान, इनके समर्थक विद्वान, इसकी मुख्य विशेषताएं, इसकी आलोचना, इसमें कमियां, इसकी उपयोगिता, इन सब बिंदुओं की चर्चा की। लेकिन व्यवहारवाद इतना व्यापक विषय है कि मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको कहना चाहूँगा कि आप विस्तृत अध्ययन भिन्न भिन्न पुस्तकों के माध्यम से और करें। मैं समझता हूँ मैं आपको इसकी एक तरह की बेसिक मूल बातें बताने में शायद सफल हुआ हूँगा। ये आपका इसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है उस पर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपसे ये अपेक्षा करूँगा कि आप इस पे अन्य जो पुस्तकें उपलब्ध है उन पर विस्तृत व्याख्या करें। मूल बात व्यवहारवाद की मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ आगे आपसे रूबरू होने का जब अवसर मिलेगा तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अन्य जो राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण हैं उस पर चर्चा करने की कोशिश करूँगा। आप सब इसको ध्यान से स्मरण रखेंगे और अध्ययन करेंगे, किताबों का सहारा लेंगे, मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।